आप सबकी उपस्थिति और आप सबका उत्साह देखकर आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। पूरे प्रदेश के अंदर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 25% अनुदान, 3 वर्ष एवं 5 वर्ष 5 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापना का कार्य किया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में 20,000 दुधारू पशु क्रय कर लगभग 53,000 लाभार्थियों को और 5,300 लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित। लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 2100 दुधारू पशुओं से 600 हमारे दुग्ध उत्पादकों को अभी तक लाभान्वित किया जा चुका है। एक और जहां ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के तहत आप सबकी आर्थिकी में वृद्धि हो, आप सबके जीवन स्तर में वृद्धि हो, प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हो, इसमें लगातार अभी तक 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। मेरा अटल विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि डेयरी सेक्टर, पशुपालन सेक्टर श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा, किसानों की स्थिति को बदलने में, हमारे दुग्ध उत्पादकों की स्थिति को बेहतर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और इस क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक ओर किसानों की आय दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, उनकी आय में दोगुनी हो उनकी आय, उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने सिंचाई विभाग के साथ मीटिंग कर ली। जब हम आप सिंचाई विभाग की योजना बना रहे हैं तो उसमें हम यह भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारे दुग्ध उत्पादक हैं, हमारे कृषि कार्य करने वाले किसान भाई हैं, उनकी आय हम दोगुना करना चाहते हैं। तो जो कृषि की योजनाएं हैं, कृषि की योजनाओं के साथ सिंचाई की योजनाओं को जोड़ना भी बहुत जरूरी है। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों या मैदानी क्षेत्रों, दोनों क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो हमने यह तय किया है कि अब पहाड़ों में जो हम उद्यान के क्षेत्र में काम करते हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, फलों के क्षेत्र में काम करते हैं, पानी की बहुत समस्या होती है। पानी नहीं पहुंच पाने के कारण से चाहे वो हम दुग्ध उत्पादन का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं या फल उत्पादन का काम करते हैं या औद्योगिकी या अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, उन क्षेत्रों में अगर सिंचाई का पानी ठीक से नहीं पहुंचेगा, लघु सिंचाई का पानी ठीक से नहीं पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में जो हम क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने तय किया है कि आप जो भी सिंचाई की योजनाएं बनेंगी, उन सिंचाई की योजनाओं को बनाने से पहले सिंचाई विभाग को अब कृषि विभाग के साथ समन्वय करना होगा, उनसे मिलकर उन योजनाओं को बनाना होगा। आगे के लिए वो योजनाएं बनाई जाएंगी तो आसानी से उनको बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। जब जल मिलेगा तो जल के साथ साथ बहुत सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, 3 मंत्रों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। यानी कि कोई भी अगर हमारे अधिकारीगणों के पास कोई समस्या आएगी, कोई किसी प्रकार का काम आएगा, तो उनको सबसे पहले उनका सरलीकरण करना होगा। हमने कहा है इसको अपनी मानसिकता में उतार दें, सरलीकरण का मंत्र समाधान का मंत्र। यानी कि अगर कोई काम आ रहा है तो सबसे पहले हमको उसका सरलीकरण करना है, यानी कि सरल तरीका उसका क्या हो सकता है, उसको हमने हल करने का तरीका निकालना है। दूसरा, उसको समाधान की ओर ले जाना है। अगर समस्या आ गई है तो उसको रोकना नहीं है, उसको समाधान की ओर ले जाना है। तीसरा, उसका निस्तारण करना है। अब निस्तारण ये नहीं कि काम आया है, काम नहीं हो सकता है, इसलिए हमने निस्तारण कर दिया। हमने कहा है कि सरलीकरण भी होगा, समाधान भी होगा, और उस जो फाइल आएगी, जो आपके द्वारा पत्र दिया जाएगा, जो पत्रावली आपके एप्लीकेशन से प्रारंभ होगी, उस पत्रावली का काम होने के बाद निस्तारण होगा। और चौथे नंबर पर आपका संतुष्टि का मंत्र, यानी कि जो भी हमारा, जो भी भाई बहन प्रदेश के अंदर
किसी काम के लिए हमारे अधिकारीगणों के पास जाएगा, हमारे शासन के और प्रशासन के लोगों के पास जाएंगे, वो सबके सब इस मानसिकता से काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर दौड़ रहा है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में जो योजनाएं बन रही है वह योजनाएं केवल उन लोगों के लिए बन रही है जो लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं। जिन लोगों को जरूरत है, इस देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इन 75 वर्षों में से 60 वर्षों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा है और एक पार्टी के शासन में भी एक परिवार का शासन रहा है। तमाम योजनाएं उस समय भी बनी थी, लेकिन वो योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी। आप सबको याद होगा कि पहले जो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी होते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर हम 100 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 100 रुपए दिल्ली से भेजने के बाद जिस व्यक्ति के पास 100 रुपए जाने चाहिए उसके पास 15 रुपए पहुंचते हैं, यानी कि 85 रुपया बीच में ही खत्म हो जाता था। आज डीबीटी के माध्यम से 22 करोड़ रुपया सीधे यहां से हमने अभी बटन दबाया और वो सीधे आपके खातों में पहुंच गया। इसमें एक रुपये एक पैसे की भी कमीशन की कहीं गुंजाइश नहीं है। ये काम नया जो डिजिटल युग आया है उस युग में प्रारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारा भारत आगे बढ़ा है, हम डिजिटल क्रांति में भी आगे बढ़े हैं। जितना डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो हम ये बटन दबाते हैं और आप आपके सीधे खाते में आ जाता है और आपके खाते में ही नहीं आता है, आपके पास आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आ जाता है, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन है। और आज पूरी दुनिया का इस प्रकार का जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका 40% कहीं हो रहा है तो हमारे देश भारत में हो रहा है, हमारे देश हिंदुस्तान में हो रहा है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देख लिया, उसके माध्यम से भी हमारे यहाँ के 9 लाख किसानों के खातों में लगभग 1390 करोड़ की धनराशि अभी तक हस्तांतरित की जा चुकी है। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए बिना ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करवा रही है। जहां जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, 3900 जैविक क्लस्टरों के काम को शुरू किया जा रहा है। इसी प्रकार से मैं अभी 2 दिन बाद नीति आयोग भारत सरकार की बैठक में जा रहा हूं और मैं वहां भी अनुरोध करने वाला हूं कि जहां एक ओर उत्तराखंड राज्य हमारा विभिन्न विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है, हमारे यहां की जो योजनाएं बनाई जाए, हमारे यहां की योजनाओं पर जो धन आवंटन किया जाए, भारत सरकार की तरफ से दिया जाए, उसमें हमारे यहां पर यहां की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ जिस प्रकार का लगाव है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो उत्तराखंड के लिए उन्होंने हर संभव सहायता का प्रावधान किया है। उसी का नतीजा जहां हम बैठे हैं यहां इसी के बगल में ही कुटिया फार्म में 100 एकड़ जमीन पर अब हमारे यहां पर एम्स की दूसरी शाखा खुलने वाली है। एम्स यहीं पर मिलेगा हमको बहुत सारी सुविधाएं अब यहीं पर मिल रही है। आपने देखा होगा सड़कों के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, यहां से लेकर काठगोदाम से लेकर रामपुर तक का हाईवे बनकर तैयार हो गया है। अभी रुद्रपुर का बाईपास बनेगा, रामपुर का बाईपास बनेगा, हमारा मुरादाबाद का बाईपास बनेगा। आने वाले समय में आपको काशीपुर से दिल्ली को जाने वाला 4 लेन हाईवे मिलने वाला है, वह भी प्रस्ताव शासन में भारत सरकार ने उसको भी पास कर दिया है। यहां से देहरादून जाने के लिए आपको लगभग 1 घंटे की दूरी कम होने वाली है। तमाम सारी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। हमारी सरकार चार धाम यात्रा की तंज पर, जहां अभी चार धाम यात्रा में
इस वर्ष 30 लाख श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं, जो अपने आप से रिकॉर्ड है। इस वर्ष का रिकॉर्ड अभी पूरी यात्रा बची हुई है, पूरे सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा और हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। अभी कांवड़ यात्रा संपन्न हुई है, कांवड़ यात्रा में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ कांवड़ यात्री आए और हमारी सरकार ने, हमारे शासन के लोगों ने, हमारे प्रशासन के लोगों ने दिल खोलकर सारे कांवड़ शिव भक्तों का हमने अभिनंदन किया, हमने स्वागत किया। भाइयों बहनों, जहां किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है उनके लिए हमने फार्म मशीनरी बैंक की योजना शुरू की है, जिसमें 80% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। ये हमारी डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से किसानों का, पशुपालकों के साथ खड़ी है। केवल साथ ही नहीं खड़ी है, हम आपके साझेदार के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में खड़े हैं। हमारे प्रदेश के अंदर सहकारी दूध संघ एवं डेयरी प्लांट सरकार और सहकार की भागीदारी का प्रमाण है। हम दुग्ध समितियां बनाकर, कलेक्शन सेंटर बनाकर दूध के खराब होने की चिंता से मुक्ति दिलाने का कार्य भी आगे किया जा रहा है। अच्छी नस्ल के पशुओं के लिए बढ़िया क्वालिटी का आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। दूध की अच्छी क्वालिटी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम नई योजनाओं को यहाँ पर लॉन्च किया है। इसके साथ साथ हमें पता है कि आप सब लोग बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हो, बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हो और बार बार समय समय से माननीय मंत्री जी भी, हमारे दुग्ध संचालक भी, सब लोग लगातार मुझसे कहते रहते हैं कि दुग्ध का मुख्य प्रमुख चाहिए। इसके लिए जल्दी हम एक समीक्षा करेंगे और इस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे कि कैसे आपको। उसको हम उत्तराखंड के अंदर भी पूरा करेंगे।
इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं आप सभी का पुनः एक बार बहुत आप सभी सबको शुभकामनाएं देते हुए, अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं सभी बहनों को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज घर घर तिरंगा का आह्वान किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ से जितने भी दुग्ध संचालक उनको प्रोत्साहन का यहाँ पर हम लोगों ने सम्मान किया, सांकेतिक रूप से उन सबको तिरंगा हम लोगों ने भेंट किया है। हर घर तिरंगा ये अभियान पूरी तरह से जोर शोर से उत्साहित कर चलना चाहिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करते हुए कि आप सब लोग निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और राज्य जब हमारा 25 साल का होगा, जब हम राज्य की स्थापना का 25वां रजत जयंती स्थापना दिवस मना रहे होंगे, 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, उस समय हम दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हिंदुस्तान के अंदर एक आदर्श स्थिति को होंगे, एक आदर्श स्थिति में लाने के लिए हमारे सारे विभाग काम करेंगे। आप सबका उसमें सहयोग मिलेगा, आप सब लोग उसके समर्थन के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए और सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए अपने प्रणाम को उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।